नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज हम अपनी लाइफ का दूसरा पार्ट आपको सुनाने वाले हैं, और इसके बाद कोई तीसरा या चौथा नहीं है, क्योंकि यहीं पे हम क्लोज़ कर देंगे। तो पब्लिक की डिमांड पे हम ये लेके आए हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप बताओ बताओ बताओ। तो स्टोरी कहाँ ख़त्म थी कि हमारी जब शादी हुई उसके बाद क्या हुआ, कैसे सिचुएशन हैंडल हुई, और जब मैंने पायल को बताया उसके रिएक्शन क्या थे। तो क्या था कि हम घर से निकलते हैं गाड़ी लेकर, और मैं गोलू को बोलता हूँ शादी करनी है, तो गोलू ने मुझे बोला हाँ करनी है। तो इसने कॉल किया अपनी बहन को, वहाँ से आधार कार्ड उठाया, वहाँ से मेरे साथ था कुलदीप भाई और इनकी एक बहन थी, क्या नाम था उसका, जिनका नाम मैं अभी नहीं ले सकती। नहीं ले सकती, कोई बात नहीं, इनके रिश्तेदारी में थी कोई। तो हम गाड़ी में पहुँचे और 30,000 कोट, और वहाँ पे हमने शादी वादी की। और फिर हमने कॉल किया, मैंने कॉल किया पायल को कि पायल मैंने शादी कर लिया। तो पायल कह रही है, मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फोटो भेजो। तो फोटो भेज दी, फोटो देखी पायल ने, कह रही ठीक है कोई नहीं आप घर आ जाओ। तो हम पहुँचे, थोड़े से नर्वस थे हर चीज़ को लेके, क्योंकि हमने प्यार में गलत कदम तो उठा दिया था चीज़ों को लेके। पर जब हम घर पहुँचे, पायल ने बोला कोई बात नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पायल और ये गोलू अच्छे से गले वले मिली और लाइफ चल गई, लाइफ चली। फिर कुछ दिन बाद गोलू के घर वाले बोलते हैं कि जिसको तू पसंद करते, उनको नहीं पता था कि मैंने शादी कर ली है। तो उनके घर वाले बोले कि लड़के को बुलाओ मिलना। गोलू ने उनको फोर्स किया, हम मिले, कुछ दिन बाद हमारी शादी होगी। तब तक किसी को कुछ नहीं पता था कि मेरी और इसकी शादी हो गई है, मतलब किसी और को मैं शादीशुदा हूँ, कुछ नहीं पता था किसी को, और ना इनके घर वालों को पता था। तो भैया हमें वहाँ से शादी में, हम जब पहुँचे शादी में पहुँची और शादी हुई हमारी, अच्छे से शादी वादी हो गई सब कुछ। और कुछ दिन बाद पता चलता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। और फिर इनके घर वाले आते हैं मेरे घर पर कि भैया चलो, तो मैं शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, एक्स वाई जेड जो भी था, बहुत कलेश हुए। इनके घर वाले आए, इनके घर वाले आए, दोनों को लेके चले गए, तो फिर दोनों मेरे पास वापस आ गए। तो क्या ना कहीं फैक्ट था कि प्यार था, इनसे भी था, इनसे भी था। इंसान कहता है कि ज़िंदगी में एक बार ही प्यार होता है, तो वो गलत फहमी है, हर किसी की है, आपकी भी है, मेरी भी है, या इनकी भी है, इनकी भी है। तो देखो क्या है ना कि मेरा जो था मैंने स्पष्ट रखा, मैंने बोला भाई मुझे शादी करनी है तुमसे, कर ली, धोखे में नहीं रखा, फुद्दू नहीं बनाया कि यार मज़े लिए छोड़ देंगे बाद में, इसकी ज़िंदगी ख़राब, रातों को ये अलग रोए, या फिर मेरे भी क्या होता ना अट्रैक्शन हो जाता है, आपका लगाव हो जाता है चीज़ों से, तो आप नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग कमेंट में ज्ञानी भी बनेंगे, ज्ञान देंगे, बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे, गलत किया तुमने कुछ भी, भैया मैंने जो किया वो मेरी समझ है, जो तुम करो वो तुम्हारी समझ है। तो सबसे बड़ी बात क्या, जो मुझे लगता है जो इन्होंने किया तो इस बहुत ही सही डिसीजन है, क्योंकि ये हम दोनों को साथ लेके चलते हैं, ये नहीं कि पायल पीछे है या मैं आगे हूँ या मैं पीछे हूँ पायल आगे है, कुछ भी होता है वो दोनों के लिए होता है, एक के लिए नहीं होता। तो अगर इन्होंने रिश्ता निभाया है तो वो रिश्ते को अच्छे से पूरा निभा भी रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या है ना कि फिर गोलू के घर वाले आते हैं, थोड़ा सा झगड़ा होता है, गोलू को घर वाले बोले कि भाई तुझे ये चाहिए या मैं चाहिए, तो गोलू ने स्पष्ट बोल दिया भाई मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर वहाँ पे एक डायलॉग आता है कि तू 25 साल का रिश्ता 2 महीने में तोड़ रही है, तुझे शर्म नहीं है, ऐसी लड़की होने से छह डूब जाए। तो ये क्या होता है ना, ये एक इमोशनल होता है चीज़ों को ख़राब करना, हो गई थी ख़राब, गोलू नहीं गई अपने घर, वो यहाँ रह गई। फिर पायल के घर वाले आए, पायल के घर वालों ने थोड़ा इसको फोर्स किया, एक्स वाई जेड जो भी था, इनको लेके चले गए वो एक साल के लिए, पायल और चीकू को एक साल के लिए घर लेके चले गए। बहुत चीज़ों का हमने सामना किया, टाइम पे हम खाते नहीं थे, मैं और ये पीते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। फिर एक टाइम आया, पायल को समझ आ गया कि यही आदमी है जो ज़िंदगी में मुझे खुश रख सकता है, और इसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। तो पायल फिर एक साल के बाद घर वापस आ गई, अपने घर वालों को छोड़ गई। तो आज पायल के घर वाले और गोलू के घर वाले एक हैं, मम्मी हमारी एक है, मेरे माँ बाप नहीं हैं, वो ऊपर वाले को प्यारे हो गए, तो इनके और मेरे एक ही हैं। तो बहुत चीज़ों का हमने सामना किया, कलेश देखे, झगड़े देखे। तो लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल लाइफ थी, पर नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत चीज़ों का हमने सामना किया, मतलब कि मरने तक नौबत आ गई थी, सुसाइड तक कर लिया था, मतलब बोल सकते हो कि हम पूरे समाज से लड़े हैं, बोल सकते हो कि इन पूरी दुनिया से लड़के दोबारा एक हुए हैं। हाँ, तो अब हमारा मतलब जो रिश्ता है ना, मतलब बोलते हैं ना कि जो हमारी घर की दीवारें हैं वो ना तो किसी कमेंट से टूटती हैं, और ना किसी के भड़काने से टूटती हैं, और ना किसी की हवाबाजी से टूटती हैं। तो कमेंट में बहुत सारे हमारे
दिग्गज आएंगे डायलॉग करने, और तकरीबन लड़कियां होती हैं कि तुमने गलत किया कृतिका, तुमने गलत किया पायल, तो भैया थोड़े से अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आप क्या करते हो, आपके भी तो अफेयर हैं छुपा के, पतियों के अफेयर होते हैं छुपा के। तो मैंने छुपा के ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, और मैं आज गर्व से घूमता हूँ भैया, मैं दोनों को साथ लेके जाता हूँ, चाहे वो क्लब हो, मॉल हो, या फिर कहीं भी रोड पे हो, गाड़ी में हो, कहीं भी हो, मैं अपने अच्छे से उनको, अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट ऑफ लाइफ है, दो हैं, जैसे दो बच्चे होते हैं माँ बाप के, तो मेरी भी दो बीवियाँ हैं और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ अपनी जान से भी ज़्यादा, और मेरी दोनों किडनियाँ हैं, और जो मेरा हार्ट है वो है चिकू। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सबसे कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी हमारी, हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चीज़ों का सामना किया, लोगों को लगता है कि ये एक शादी करना या फिर ये करना ये एक अयाशी पार्ट हो जाता, पर कितने दिन कर लोगे, 5 दिन 10 दिन 2 दिन, कितने दिन, कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है आपको। तो क्या होता ना कि पायल थी, पायल का ओहदा जो मेरे घर में है वो एक माँ का है, इसकी पूरे घर में इसी की चलती है, क्योंकि ये चीज़ों को संभालती भी है, केयर करती है, इनसे ज़्यादा केयर करती है, मेरी कम करती है, और मैं सबकी करता हूँ। मैं भी इससे थोड़ा डर के रहती हूँ, आप देखती होगी ब्लॉग में डांट देती है, तो इस ये बड़ी है तो इसकी सारी बात सुनती है, क्योंकि हमें बाद में पता चलता है, क्योंकि जो पायल बोलती है वो सही बोलती है, उस टाइम तो लगता है पायल बहुत बोल रही है, बट मैं बाद में पायल को हमेशा बोलती हूँ पायल जो तूने बोला ना वो सही बोला था। तो ये है हमारा हार्ट, तो बस ऊपर वाले हम तीनों जीते और मरते हैं बिल्कुल, और इसके बिना हमारा घर बिल्कुल भी पूरा नहीं है। हाँ, तो बस यही कहना चाहूँगा सबसे कि आप लोग हो तो हम हैं, और ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी हमारी आपके भरोसे, हम आपसे रोज़ मिलते रहेंगे, लाइव मिलते रहेंगे, कमेंट में मिलते रहेंगे, वीडियो में मिलते रहेंगे, और हमें देख के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कहीं भी उम्मीद मत जगाना कि दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी का मतलब है कि आप सब कुछ खो दोगे ज़िंदगी में, और आप ब्लेम करोगे मुझे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी गालियाँ दोगे। तो हमारी जो लाइफ थी वो एक सच के रिश्ते पे आधारित थी, मैंने जो किया, इनकी फ्रेंड थी, सब कुछ सच बताया, लाइफ चलती रही, और कहीं भी झूठ नहीं था कि मैं इसके कान में कुछ और बात कर रहा हूँ, इसके कान में कुछ और बात कर रहा हूँ, तो ज़िंदगी नहीं चलेगी आपकी, याद रखना मेरी बात, एक साफ़ सुथरा रिश्ता रखो, क्लियर रखो, और झूठ नहीं होना चाहिए उसमें कभी। तो ज़िंदगी में ना तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, जैसे हम हैं तो हम तीनों एक ही हैं, चीकू हमारा बेटा है, तो हमें परवाह नहीं है बिल्कुल भी, जमाने की तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब बुरा टाइम था ना किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, एज आ या इसकी फैमिली हो या इसकी फैमिली हो, हमने खुद धक्के खाए हैं। चीकू गर्मी में सोया है, पायल को टाइम पे चीज़ें नहीं मिलती थी, मैं और गोलू मतलब रेंट गाड़ी में सोए हैं, तो बहुत चीज़ें हैं मतलब कि डीपली हम नहीं बता सकते, क्योंकि इस किरदार में बहुत उठाए गिरे लोग थे जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, तो हम अभी नाम नहीं लेना चाहते किसी बिल्कुल का भी। हाँ। बस हम अपनी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि हमें कितनी प्रॉब्लम फेस हुई। हाँ, तो दूसरी बात क्या थी कि ना इस किरदार में बहुत लोग ऐसे थे, उन्होंने बहुत गलत किया हमारे साथ, मेरे साथ, इसके साथ, मतलब सबके साथ, ऐसा था उनका मतलब मोटिव ये था कि मैं अकेला रह जाऊं, इसकी शादी कहीं और हो जाए, इसका बाप कोई और बन जाए, इसकी शादी कहीं और हो जाए। तो जो ऊपर वाला होता ना उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है दुनिया में, एक बात ध्यान रखना ज़िंदगी में। तो बस ऊपर वाले का इतना शुक्रिया है कि आज हम सही हैं और ज़िंदगी भर सही रहेंगे क्योंकि आप लोगों का प्यार है। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।